नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। माधुरी दीक्षित के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज हम आपको माधुरी की नहीं बल्कि उनकी बहनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती है। आपको शायद ना पता हो लेकिन माधुरी की दो बहनें हैं, रूपा दीक्षित और भारती दीक्षित। साथ ही उनका एक भाई अजीत दीक्षित भी है। माधुरी का स्टारडम इतना ज्यादा था कि कभी किसी का ध्यान उनकी पर्सनल लाइफ पर नहीं गया। कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी फैमिली में कौन कौन है। माधुरी के पिता का नाम शंकर दीक्षित और माँ का नाम स्नेहलता दीक्षित है। माधुरी को एक्ट्रेस बनाने में उनके परिवार का भी हाथ है। सिल्वर स्क्रीन पर भले ही माधुरी छाई रहती हो लेकिन पर्दे के पीछे माधुरी की बहनें उनका सपोर्ट सिस्टम थी। माधुरी की तरह उनकी बहनें भी ट्रेंड कथक डांसर है लेकिन माधुरी को एक्ट्रेस बनाने के चलते उन्होंने कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया। माधुरी की बहनें रूपा और भारती अब सेटल हो चुकी है। उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध है। कभी कभी तीनों को तस्वीरों में साथ जरूर देखा गया है। तस्वीरों में तीनों की बॉन्डिंग को साफ देखा जा सकता है। माधुरी की बात करें तो उन्हें भी बॉलीवुड में काम मिलने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इस बात का जिक्र माधुरी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। माधुरी ने कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूंगी, मुझे कभी स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा। आप ये कह सकते हैं कि फिल्में खुद चलकर मेरे पास आई थी। गोविंद जी नाम के एक शख्स राजश्री प्रोडक्शन में काम करते थे। उनकी बेटी मेरी बड़ी बहन के क्लास में थी। उसे पता था कि मैं डांस करती हूँ, प्ले करती हूँ, स्पीच देती हूँ। उन दिनों राजश्री प्रोडक्शन ने अपनी नई फिल्म अबोध का ऐलान किया। वो लोग एक नए चेहरे की तलाश में थे। तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मेरी परिवार ने यह फैसला किया कि मैं एक फिल्म कर लूँ लेकिन देखते देखते चीज़ें बदल गई और मैं एक्ट्रेस बन गई।